Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्या संख्या पंद्रह में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे डिसिप्लिन की जिसको हम अनुशासन का नाम देते हैं आइए देखते हैं आज की हमारे चर्चा के विषय क्या होंगे किन किन चीज़ों पर किन मुद्दों पर आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे परिचय से अनुशासन का परिचय से शुरुआत करने के बाद हम समझेंगे इसके अर्थ को इसकी अवधारणाएँ है क्या हैं इसके कंसेप्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे अनुशासनहीनता को भी हम जानेंगे इसके साथ साथ कि इंडिसिप्लिन क्या होता है किस तरीके की एक्टिविटीज़ को एक संगठन में इंडिसिप्लिन का नाम दिया जाता है इसके बाद हम दुराचार के बारे में जानेंगे जिसको कि हम मिसकंडक्ट कहते हैं इसके साथ ही हम अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण और उनके दृष्टिकोणों पर ध्यान देंगे जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके अगेंस्ट किस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन्स लिए जाते हैं और उसके साथ ही हम जानेंगे भारतीय उद्योग में अनुशासन संहिंता क्या है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद क्या क्या उद्देश्य आपके पूरे होंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अटेन कर पाएंगे तो सबसे पहले औद्योगिक अनुशासन की मूल प्रकृति को आप समझ पाएंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लाइन जो अनुशासन है वो किस तरीके का होता है संगठनों में उसका एक नेचर क्या है उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएंगे साथ ही आप जान पाएंगे अनुशासन के पारंपरिक और आधुनिक पहलू के बीच अंतर को पहचान पाएंगे क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न आस्पेक्ट्स में किस प्रकार से पहले के ज़माने में हम अनुशासन को लागित करते थे अपने संगठनों में और आज कैसे वो विचारधारा बदल रही है इसके साथ ही आप अनुशासन की प्रकृति और प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्यों को जान पाएंगे उनको आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि क्या होते हैं मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसिप्लिन के उद्योग में अनुशासन का महत्व और अध्ययन करेंगे और उसकी सराहना करेंगे किस प्रकार से संगठन में अनुशासन होना अनिवार्य है क्या इसका महत्व है उसके बारे में आप जान पाएंगे इसके आगे आप जान पाएंगे अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के बारे में किस तरह के से हम अपने संगठनों में अनुशासन बनाए रखें उसके क्या सिद्धांत हैं उसकी जानकारी आपको मिलेगी आप जान पाएंगे अनुशासनहीनता और कदाचार की अवधारणाओं को समझ पाएंगे मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लाइन भी आप समझेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ हैं किस तरीके की चीज़ों को हम इनडिसिप्लिन एक्ट और मिसकंडक्ट में कंसिडर करते हैं किसी भी संगठन में उसके साथ ही अनुशासन भंग करने के कारणों के बारे में आप जान पाएंगे कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार से अनुशासन के नियम और कायदे कानून को अगर तोड़ता है तो उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देशनों के बारे में आप जान पाएंगे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं डिसिप्लिनरी एक्शंस को फॉलो करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में उन सभी की जानकारी आपको आज के व्याख्यान से मिलेगी तो शुरुआत करते हैं परिचय के साथ जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं डिसिप्लिन है क्या डिसिप्लिन अनुशासन की जब हम बात करते हैं तो एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के प्रति इच्छुक आज्ञाकारित के लिए व्यवस्थित व्यापार व्यवहार और सम्मान पैदा करना है तो अगर हम इन इन सिंपल वर्ड्स और अगर हम सारांश में इसको समझने की कोशिश करें डिसिप्लिन एक तरीके की अप्रोच है जिसमें आपको कहे गए बताए गए बिहेवियर के हिसाब से ओबीडियंटली अपनी अथॉरिटीज़ को जो आपके नियुक्तकर्ता है जो आपका मैनेजमेंट है उन्होंने जो भी आपको गाइडलाइंस दी है, हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए हैं कार्य करने के लिए उनको आप संस्कारी भावनाओं के साथ कार्य करते हैं और उन्हीं के उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से आपसे नियुक्तकर्ता चाहते हैं कि आप संगठन में कार्य करें तो डिसिप्लिन एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज़ है जिसके द्वारा आप अपने आज्ञाकर्ताओं के व्यवस्थित व्यापार और सम्मान पैदा करने के लिए कार्य करते हैं इसके बाद ही हम कहते हैं स्वास्थ्य औद्योगिक वातावरण और उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप चाहते हैं आपके संगठनों में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे आपस में लोग अच्छे से बात करें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें आपके संगठन की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्रियल डिसिप्लाइन मेंटेन करें आपके जो कर्मचारी हैं वो अनुशासित होकर अब काम करते हैं तो कार्य करने का जो वातावरण है वो भी बढ़िया रहता है इसके साथ ही लोग अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं जिससे कि उत्पादन बढ़ता है इसके साथ ही प्रमोशन एंड मेंटेशन ऑफ इम्प्लॉयिज़ डिसिप्लिन ब्रिंग मल्टी फ्यूरियस बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ गोल अटेनमेंट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में अनुशासन के साथ करने से आपके कार्य को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो पाती है आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे और इसके साथ ही जो कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य करते हैं उनके प्रमोशंस के उनके आगे बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं तो कर्मचारी सभी अगर इस तरीके से अनुशासित होकर कार्य करेंगे तो उनके करियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है इसीलिए अनुशासन होना बहुत आवश्यक है अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की किस प्रकार से हम इसका अर्थ और इसके डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करते हैं अनुशासन का अर्थ है संगठनों के नियम और विनियमों का पालन करना जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी संस्था है उसके जितने भी आपके कायदे कानून हैं आपके नियम हैं उनको पालन करने को हम अनुशासन कहते हैं आपके द्वारा दिए गए कायदे कानून नियम जो भी हैं वो अगर आपके कर्मचारी मान रहे हैं उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो आपकी संगठन में अनुशासन पालित हो रहा है व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए प्रॉब्लम्स नहीं हो स्मूथ फंक्शनिंग हो बेटर रनिंग हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कर्मचारी जो हैं वो अनुशासित होकर कार्य को करें फ्यूल का कहना है डिसिप्लिन क्या है एक ओबीडियंस है जिसमें आप बात को सुनते हैं मानते हैं एप्लीकेशन है एनर्जी है एंड आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आप दूसरे की कही बात को जब मानते हैं उसको एक इज्जत देते हैं और उसके कहे में चलते हैं तो उसको हम अनुशासन कहते हैं अनुशासन एक कर्मचारी का आत्म निर्णय है जो उसे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करता है अनुशासन क्या है आपका सेल्फ कंट्रोल आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और उस प्रकार से कार्य कर पाते हैं जिस प्रकार से नियोक्ता चाहता है कि आप अपने कार्य को करें ताकि आप संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उसके जो गोल्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से पूर्ति कर सकें तो अनुशासन हम कहते हैं कि एक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने नियम अपने संयम रखते हैं अपने ऊपर संयम रखते हैं और आप उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से आपसे कार्य करने के लिए कहा जाता है इसमें आगे हम बात करते हैं डॉक्टर स्प्रिगल की डेफिनेशन के अनुसार अनुशासन वह शक्ति है जो व्यक्ति या समूह को उन नियमों विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं यह बल या बल का डर है जो किसी व्यक्ति या समूह को ऐसे काम करने से रोकता है जिन्हें समूह के उद्देश्य के लिए विनाशकारी माना जाता है और ये समूह नियमों के उल्लंघन के लिए समय पर अभ्यास या दंड लागू करता भी है तो आप ये समझ लीजिए कि डिसिप्लिन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कि हम संगठन में लागू करते हैं ताकि हमारे संगठन के जो उद्देश्य हैं उन्हें हम पूरा कर सकें इसके साथ ही ये ऐसी फोर्सफुल एक्टिविटी है कि अगर आप इसको नहीं करते हैं अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और जो आपके संगठन के नियम हैं कायदे कानून हैं उनके प्रकार से उनके हिसाब से अगर आप कार्य को नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपको दंड भी मिलता है आपको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे अनुशासन के एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे हमने अनुशासन के जो पहलू हैं उनको दो तरीके से डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक है नकारात्मक पहलू और दूसरा है हमारा सकारात्मक पहलू तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है नेगेटिव एस्पेक्ट है फियर जैसे कि फोर्स आप किसी के भय से आप किसी के डर से जब अनुशासन करते हैं तो वो एक तरीके से नेगेटिव पहलू है आप अपनी स्वेच्छा से जब चीज़ों की पूर्ति करते हैं आपसे जो कहा गया है अगर आप उसको देख के समझ के सेल्फ़ कंट्रोल के साथ अगर आप उसको पूरा करते हैं तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा लेकिन अगर आप किसी के बहस से किसी के डर से किसी दबाव से अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसका वो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है एंड इफ़ एनी एम्प्लॉयर और वर्कर डिफाइन दी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज लिविड ऑन देम तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है अगर आप इसमें इस कार्य को नहीं करते हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा इसकी वजह से आप डर के फोर्सफुली प्रेशराइज़ होकर उन सारे नियम और कायदे को फॉलो करते हैं जो आपसे करने के लिए कहा जाता है जबकि पॉजिटिव डिसिप्लिन ये है नाउ डेज और ज़्यादातर जो संगठन हैं आज के आज के ज़माने में जो कार्य कर रही हैं क्योंकि हम जानते हैं इस तरीके से कॉम्पिटिटिव है मार्केट में और आज के ज़माने में हम अपने मानव संसाधन को एक संगठन के असेट के रूप में देखते हैं और अगर हम इस प्रकार से उनसे कार्य कराएंगे जहां हम उन्हें फोर्स करें जहां हम उन्हें अंडर प्रेशराइज़ करें तो बहुत हद तक संभव है कि वो हमारे संगठन में लंबे समय तक कार्य ना करें तो ये प्रक्रिया को कुछ प्रकार से चेंज करना पड़ता है इस आस्पेक्ट्स को चेंज करना पड़ता है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन भी मेंटेन करें बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में सो नाउ डेज डी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड पॉजिटिव प्रोग्रेसिव आउटलुक फॉर डिसिप्लाइनिंग देयर इम्प्लॉइज विद द एवर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द वर्कर्स कंसर्निंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि हम जानते हैं कि आज के हमारे कर्मचारी जो हैं वो बहुत ही जागरूक हैं उन्हें अपने राइट्स uh, के बारे में उनकी ड्यूटीज़ के बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है ज्ञान है तो इस इस uh, आज के दौर में बड़ा ही गलत होगा अगर हम उन्हें नकारात्मक पहलू से या तरीके से फ़ोर्स uh, करें कि डिसिप्लाइन वो मेंटेन करें नहीं तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा या उनको पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी उससे बेहतर ये होगा कि हम एक पॉजिटिव डिसिप्लिन अपने संगठन में लाएं और अपने अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें उसका महत्व बताएं उनको बताएं कि किस प्रकार वो सेल्फ कंट्रोल से अपने कार्य को बेहतर कर सकते हैं और ये उनके विकास के लिए भी आगे अच्छा साबित होगा इसी में आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट इम्फेसाइज ऑन दी सेल्फ डिसिप्लाइन आज के ज़माने में जो मैनेजमेंट है जो प्रबंधन है वो कोशिश करता है कि अपने संगठन में कर्मचारियों में सेल्फ डिसिप्लिन लाए उनके अंदर इस प्रकार से प्रेरणा लाए कि वो अपना खुद का अनुशासन बनाएं और अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उनको फॉलो करें ना कि उन्हें फोर्सफुली कराना पड़े। दिस अप्रोच ऑफ सेल्फ कंट्रोल एसर्ट ऑन कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ इम्प्लॉयज़ टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ दर्गेनाइजेशन एंड and पॉजिटिव positive ऑफ डिसिप्लिन प्लेज अ मच ग्रेटर रोल इन in safeguarding इंडस्ट्रियल पीस एंड prosperity। अगर आप औद्योगिक विकास और शांति चाहते हैं आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस और prosperity maintain रहे तो बहुत जरूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर वो सेल्फ डिसिप्लाइन जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जहां पर आपके जो कर्मचारी हैं वो खुद से ही अनुशासन के तहत कार्य करेंगे और आपके संगठन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो फॉलो करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं अनुशासन के लक्ष्य क्या लक्षण क्या हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक कहती है टू गारंटेड सक्सेसफुल फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इट मोटिवेट वर्कर्स टू अबाइड बाई दी इंस्ट्रक्शंस इशूड बाई दी मैनेजमेंट और सुपीरियर तो इसके जो पहला कैरेक्टरिस्टिक uh, है वो यही डिफाइन करता है कि डिसिप्लाइन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपको मोटिवेट करता है जब आप अपने कार्य को अनुशासित होकर करते हैं संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल पूर्ति की गारंटी के लिए श्रमिकों को प्रबंधन या वरिष्ठ द्वारा जारी निर्देशन का पाला पालन करने के लिए प्रेरित करता है मोटिवेट करता है कि आप अगर जो नियुक्तकर्ता हैं उनके द्वारा जारी किए हुए जितने भी नियम और कानून हैं उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने संगठन के लक्ष्य को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे उसको अचीव कर पाएंगे दूसरा ये अपने इम्प्लॉज़ को इट इज़ अ नेगेटिव अप्रोच इन दी सेंस दैट इट डिस्करेज इम्प्लॉयज़ इन अंडरटेकिंग सम एक्टिविटीज़ एल एनकरेजिंग टू अंडरटेक दी फ्यूदर्स कई जगह पर इसका जो फीचर है वो इस प्रकार से भी है कि कई जगह ये नेगेटिव आस्पेक्ट भी ड्रा करता है और कई जगह ये पॉजिटिव आस्पेक्ट भी ड्रा करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉज को उसको पूरा करने के लिए कह रहे हैं नेगेटिव आस्पेक्ट से कई बार लोग उस कार्य को नहीं करते हैं और पॉजिटिव आस्पेक्ट इसका ये है कि कई बार लोग उसको करने के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाते हैं ऑन वॉयेशन और डिसबीडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल इट इम्पोज फाइन्स और रिपेनमेंट डेयर फोर इट इज़ कॉल्ड एज प्यूनेटिव और बिग स्टोक स्टिक अप्रोच कई बार हम इसको ना ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा ये जो डिसिप्लिन का प्रोसेस है या जो एक्टिविटी है वो दंडात्मक है क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं अगर आ, आप अपने कर्मचारी अपने संगठन के कानूनों को नहीं मानते हैं या उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और अपनी प्रक्रिया के हिसाब से कार्य करते हैं तो इसमें उनको पनिशमेंट भी मिलता है इसीलिए इसको दंडात्मक या बड़ी छड़ी दृष्टिकोण से भी देखा जाता है जिसमें आप डंडे के जोर पे अपने कर्मचारियों से कार्य कराना चाहते हैं अगर वो अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं करेंगे तो उनको इसके लिए यूनिटिव एक्शंस पे पे करने पड़ेंगे या उनके खिलाफ यूनिटिव एक्शंस लिए जाएंगे इसलिए इसको कई बारी नेगेटिव uh, फॉर्म में भी देखा जाता है अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की डिसिप्लाइन जो है उसका लक्ष्य क्या है उसके उद्देश्य क्या हैं क्या उद्देश्य पूरे करने के लिए इसको हम निर्धारित करते हैं और अपने संगठनों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके गोल को हम बेहतर तरीके से अचीव कर पाएँ ताकि लोग अपने विलिंग हों ट्राई टू अर्न दी विलिंग अप्रूवल ऑफ इम्प्लॉयज़ आपके जो कर्मचारी हैं उनके उनकी इच्छा से आप अपने कर्मचारी अपनी संगठन के जो उद्देश्य हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप पूरा कर पाएँ तो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये कर्मचारियों की सहमति प्राप्त करने का एक प्रयास है आप अपने एम्प्लॉयज़ की क्या करते हैं एग्रीमेंट लेते हैं उनकी सहमति लेते हैं कि इस प्रकार से अगर आप कार्य करेंगे तो आप अपने संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे टू इंट्रोड्यूस दी कॉम्पोनेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड अश्योर्स डिस्पाइट दी न्यूमरस डिफ्रेंसेस इन इनफॉर्मल बिहेवियर पैटर्न इन दी ऑर्गेनाइजेशन इसके थ्रू आप ये भी उद्देश्य है आपका डिसिप्लाइन को लाने का कि सारे कर्मचारी एक एक सिमिलर पैटर्न पे यूनिफॉर्म पैटर्न पे कार्य करें उसमें उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो सबकी जो अप्रोच है सबका जो कार्य करने का तरीका है वो लगभग एक जैसा रहे अनुशासन से हम उनके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करते हैं तो संगठन में अनौपचारिक व्यवहार जो है या पैटर्न में कई अंतरों के बावजूद एकारूपता और आश्वासन को के घटक को पेश करने का जो उद्देश्य है वो रहता है अनुशासन के पीछे ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों का जो एक बिहेवियरल आस्पेक्ट है उसको आप रेगुलेट कर सकें उसको आप कंट्रोल कर सकें और आप चाहें आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारियों के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी हो उनके बिहेवियर में तीसरा हम बात करें कर्मचारी के मनोबल एवं कौशल कार्यकुशलता को बढ़ाकर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसका एक उद्देश्य होता है आप इसीलिए भी ये डिसिप्लिन जैसा प्रोसीजर अपने संगठन में लागू करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं उनका जो मनोबल है वो बढ़े और इस मनोबल के बढ़ने से वो बेहतर तरीके से अपने प्रदर्शन कर सकें उत्पादन कर सकें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े उनकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में सुधार आए संगठन में मानवीय संबंधों की प्राप्ति सम्मान उत्पन्न करना आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन रिलेशंस के टुवर्ड्स ए ग्रेटर रिस्पेक्ट दें ऑर्गेनाइजेशन में अपने कर्मचारियों में आपस में क्या हो बेटर रिलेशनशिप हो अगर आप एक दूसरे के साथ डिसिप्लिन फॉर्म में कार्य करते हैं तो आपके रिलेशनशिप बेहतर होते हैं आपके संबंध मधुर रहते हैं इसके बाद ही टू कन्फर एंड सीक डायरेक्शन एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अनुशासन से आपको कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व प्रदान और प्राप्त करने जैसी एक दिशा मिलती है कि आपकी क्या दिशा है किस लाइन ऑफ एक्शन पे आपको कार्य करना है आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना तो आपको क्या करना है इस दिशा के में आपको डायरेक्शंस मिलती हैं तो आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और ये आपको ये भी बताता है कि आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं किस जिम्मेदारी से आपको अपने कार्य को करना है तो आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं और जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है आपका डायरेक्शन क्लियर होता है तो अपने कार्य को आप सही प्रकार से कर पाते हैं इसके साथ ही हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की संगठन में या उद्योगों में अनुशासन का महत्व क्या है क्यों ज़रूरी है अनुशासन होना जैसा कि अभी तक हम बात करते आए हैं अगर आपके संगठन में अनुशासन है तो आपके आ, आ, आपके संगठन के कार्य आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी एंटरप्राइज अनुशासन किसी भी उद्यम के सुचारू संचालन के लिए आधारशील के रूप में कार्य करता है तो अगर आप चाहते हैं आपके संगठन में जो कार्य हो वो सुचारू तरीके से हो स्मूद हो उसका फंक्शनिंग जो हो वो प्रॉपर हो बेटर हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने संगठन में एक अनुशासन रखें आप आप डिफाइन करें कि आप क्या चाहते हैं अपने कर्मचारियों से वो किस प्रकार से कार्य को करें एक क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वो फॉलो करें ताकि उनके कार्य करने में कहीं कोई बाधा ना आए इसके साथ ही किसी भी उद्योग में अनुशासन की अनुपस्थिति भारी मात्रा में हंगामा और भ्रम पैदा कर सकती है जिससे उसकी उत्पादकता में कमी हो सकती है अगर आपके संगठन में अनुशासन नहीं है अगर आपके वहाँ के लोग अनुशासन के साथ कार्य नहीं करते या अनुशासनहीनता रखते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपके संगठन में कन्फ्यूजन्स हो, आपस में मतभेद हो, लोगों में विवाद हो जिसकी वजह से आपके संगठन की जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादकर्ता जो है वो घट सकती है तो अनुशासन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कन्फ्यूजन्स को आप लोगों के मन में ग्रीव्यांश को उनके बीच में होने वाले प्रॉब्लम्स को आप सब्साइड कर सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लाइज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें इसके साथ ही अनुशासन संगठनों के लक्ष्य और उद्देश्यों में तेजी से प्राप्त करने के लिए अनुशासन बनाए रखना एक पूर्व शर्त है बहुत ज़रूरी है ये प्री रिक्विज है आप ये मान लीजिए अगर आप चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़े तो आपको अपने अनुशासन अपने अपने संगठन में अनुशासन लागू करना अनिवार्य है अगर आप बिना अनुशासन के कार्य करेंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और ना ही अपने संगठन को आगे ग्रोथ की तरफ ले जा पाएंगे क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को स्विफ्टली अटेन करने के लिए ये प्री रिक्विज़िट है प्री कंडीशन है कि आपके संगठन में एक सही अनुशासन हो इसके साथ ही अनुशासन थी नियुक्त सुखद उद्योग वातावरण में निर्माण में सहायता करेंगे जो उद्योग और राष्ट्र दोनों के लिए फायदेमंद होगा अगर आपके जो इम्प्लॉज हैं आपके जो कर्मचारी हैं या नियुक्तकर्ता हैं अगर वो सही प्रकार से डिसिप्लिन को लागू कर पाते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट होगा जिसको कि हम प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट होगा और जब औद्योगिक जो आपका वातावरण है वो अगर आपका बढ़िया होगा उसमें कोई विवाद नहीं होगा उसमें पीस होगा लोगों के मन में तो नेशनल के लिए भी ये इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है और नेशन वाइज भी ये बेनिफिशियल है आपके राष्ट्र के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो आपस में अच्छे अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं उनके संबंध अच्छे हैं और आपस में उनमें झगड़ा नहीं हो रहा है तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से संगठनों में अनुशासन का होना अनिवार्य है और ये होने से आपके संगठन में कार्य बेहतर तरीके से होता है इसके बाद आगे बात करते हैं अनुशासनहीनता जैसे कि हमने कहा कि डिसिप्लिन क्या है अब हम बात करेंगे इन डिसिप्लिन की ये बिल्कुल उसका अपोजिट है इसको जान लेते हैं अनुशासनहीनता को किसी संगठन के औपचारिक और अनौपचारिक नियमों और विनियमों को का गैर पाल अनुपालन के रूप में व्यक्त किया सकता जा सकता है इनडिसिप्लिन को अगर आप एक्सप्लेन करें तो आप जब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं नॉन कम्प्लाइंस करते हैं अपने जो भी आपके संगठन के फॉर्मल या इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो उसको हम इनडिसप्लिन कहते हैं अपने संगठन के नियमों को उनके कायदे और कानून को पूरा ना करना उनको ना मानना एक अन अनुशासनहीनता है अनुशासनहीनता कर्मचारियों के मनोबल और प्रेरणा के साथ साथ संगठन पर भी का, हानिकारक प्रभाव डालता है अगर आप अपने कार्य को इंडिसिप्लिन फॉर्म में करते हैं तो ये इम्प्लाइज को डिसेटिस्फेक्शन देता है उनके मोरल को कम करता है और कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी पर भी ये असर डालता है अब बात करेंगे क्या क्या कारण होते हैं किस किस वजह से कई बार जो हमारे कर्मचारी हैं वो अनुशासनहीनता करने लगते हैं जिसकी वजह से वो डिसिप्लाइन फॉर्म में काम नहीं करते हैं तो उसके हम कुछ कारण को जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं वेज डिफरेंशियल्स की जब हमारे संगठन में अगर वेतन में अंतर होता है वेतन में अंतर होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वेतन में अंतर किस प्रकार से किया जा रहा है वो जानना ज़रूरी है क्योंकि आज के ज़माने में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें कर्मचारी कहते हैं इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क अगर आपसे एक जैसा कार्य कराया जा रहा है तो उसके लिए आपको समान रूप से वेतन मिलना चाहिए लेकिन अगर कार्य में अंतर है और जॉब डिफरेंसेस हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट है और अगर आपके स्किल्स में नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग में अगर डिफरेंस है तो हो सकता है कि आपके वेतन में डिफरेंसेस uh, हो लेकिन साम सामान्य रूप पे कार्य कर रहे कर्मचारियों के अगर वेतन में अंतर होता है तो ये कारण बनता है जिसकी वजह से जो आपके कर्मचारी हैं वो इनडिसिप्लाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सब कार्य करने लगते हैं जो उनको कार्य नहीं करने चाहिए और संगठन के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कार्य नहीं करते इसके अलावा रॉन्ग वर्क असाइनमेंट उनको ऐसा कार्य दे दिया गया है जो कार्य उनसे संबंधित नहीं है ना ही उनकी शिक्षा से ना ही उनकी क्षमता से और ना ही उनकी नॉलेज और स्किल से रिलेटेड है इस प्रकार से अगर आप उनको कार्य करने के लिए देंगे तो उनका कार्य करने में मन नहीं लगेगा और उस कार्य को वो बेहतर तरीके से पूर्ति नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से वो इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं पेमेंट ऑफ वेरी लो वेजेस अगर आप अपने एम्प्लॉज़ को जो मिनिमम वेजेस हैं उससे भी कम अगर आप पेमेंट कर रहे हैं आप उनको जो कार्य करने का पैसा दे रहे हैं वो बहुत ही कम है जो कि उस पोजीशन के लिए होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है तो उसका कारण भी बन सकता है कि आपके जो कर्मचारी हैं वो अनुशासनहीनता में पड़ जाएँ इनफेक्टिव लीडरशिप अगर आपका जो लीडर है जो उनको मैनेज कर रहा है जिसको वो फॉलो करते हैं अगर वो अपने आप में क्या इफेक्टिव नहीं है क्योंकि किसी भी संगठन में कार्य कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक लीडर वो उसी जो लीडर कहता है जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसी हिसाब से कार्य करते हैं तो अगर आपका जो लीडर है वो इनफेक्टिव है अगर वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा तो उसके अंदर कार्य कर रहे कर्मचारी भी अपने कार्य को अनुशासन के साथ नहीं कर पाते हैं विक्टिमाइजेशन बाय मैनेजमेंट अगर आपके कर्मचारी किसी किसी भी चीज़ का शिकार बन जाते हैं प्रबंधन के द्वारा अगर वो किसी गलत चीज़ में उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है या उन पे गलत तरीके से अनफ़ेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता है या इनजस्टिस की जाती है तो उस केस में भी जो कर्मचारी है वो इंडिसप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है उसको मालूम ही नहीं है कि होना क्या है या करना क्या है आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अगर आपने कर्मचारियों को पूरी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है तो उनको आइडिया ही नहीं है कि उनको किस तरीके के एक्शंस परफॉर्म करने हैं और हो सकता है इसकी वजह से वो इस तरीके के एक्शंस कर लें जो कि इनडिसिप्लिनरी में कंसीडर होते हैं डिफेक्टिव ग्रीवियंस प्रोसीजर आपका जो शिकायत दर्ज कराने का प्रक्रिया है आपका जो प्रोसेस है वो सही नहीं है अगर किसी इम्प्लॉ के मन में कोई ग्रीवियंस है उसके मन में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है और अपनी वो बात को कहना चाहता है और उस बात को कहने का या शिकायत को दर्ज कराने का आपकी जो प्रक्रिया है संगठन में वो सही नहीं है कोई उसको सुनने वाला नहीं है इसकी वजह से भी वो रिपेलेंट बिहेवियर शो करता है और इनडिसप्लिनरी एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है या फिर आपके संगठन में कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जहां पर आप एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव करते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या उनको एम्पावर नहीं कर रहे हैं या उनको पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो अनफेयर हैं जो जो फेयरनेस के साथ नहीं हो रही हैं इन जस्टिस के साथ की जा रही हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के होने के वजह से भी जो कर्मचारी हैं वो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं तो ये कुछ कारण हैं कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अनुशासनहीनता आपके संगठन में देखी जा सकती है इसके बाद हम बात करते हैं कैसे हम इन अनुशासनहीनता के जो आ, वेज़ हैं जो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं कैसे हम इनसे बाहर आ सकते हैं इसके क्या वेज़ हैं जैसा कि हमने बात करी अनुशासनहीनता के कारण क्या हैं किस वजह से संगठनों में अनुशासनहीनता कर्मचारी करने लगते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे हम उनसे उनको बाहर ला सकते हैं क्या तरीके हैं किस तरह से हम उनको आ, इन चीज़ों को करने से रोक सकते हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं अप्रोचेज़ टू मैनेज इन डिसिप्लाइन आपके अगर कर्मचारी इनडिसप्लाइन कर रहे हैं या वो अनुशासन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कैसे हम उनको बेहतर बनाएं तो इसके लिए सबसे पहले आता है काउंसलिंग एंड एजुकेशन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा आप अपने कर्मचारियों को काउंसिल कर सकते हैं उनको समझा सकते हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि उनको ये करने से क्या बेनिफिट होगा या उनके लिए वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद होंगी ना केवल उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल उनके स्वयं के लिए भी अगर वो उस कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे तो दोनों ही तरीके से वो बेनिफिशियल रहेंगे और वो पेनल्टीज से या पनिशमेंट से भी बचे रहेंगे और उनको ये करियर डेवलपमेंट में आगे उनके प्रमोशन में ग्रोथ में किस प्रकार से बेहतर साबित होगा उसके लिए आप अपने कर्मचारियों को काउंसिल कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों को इस बारे में इस विषय में एजुकेशन नॉलेज दे सकते हैं दूसरा तरीका है ग्रीवियंस हैंडलिंग ट्रेनिंग जैसा कि हमने कहा था एक ये प्रमुख कारक भी था जिसकी वजह से लोग अनुशासन हिंदा करते हैं कर्मचारी जो हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं करते संगठनों में तो अगर आप अपने संगठन में एक बेहतर प्रक्रिया शुरू करें ग्रीव्यांस हैंडलिंग की जहाँ पर आपके इम्प्लॉयज़ को अगर कोई ग्रीव्यांश है अगर वो परेशान हैं किसी बात को वो कहना चाहते हैं या अपने मन के किसी कन्फ्यूजन को वो दूर करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जहाँ जाके वो अपनी बात को व्यक्त कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को वो फाइंड आउट करें तो अगर उनको सही समय पर सही सॉल्यूशन मिल जाएगा और उनको उस कारण का पता चल जाएगा कि जिस वजह से उस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनके मन में एक संतोष होगा और वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और अनुशासन फॉलो करेंगे इसके साथ ही उनके जॉब एनरिचमेंट होना चाहिए दो प्रकार होते हैं चीज़ों के हमने पहले इसको अपने व्याख्यानों में डिस्कस किया है अगर आपको याद हो दो चीज़ें हैं जिसमें हमारा एक जॉब एनरिचमेंट होता है एक जॉब एनलार्जमेंट होता है जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है आप उसके कार्य में वृद्धि करें आप उसको प्रमोशन दें आपका जॉब प्रोफाइल जो है उसको बढ़ोतरी करें अगर उसको कोई स्ट्रेस है उसको लगता है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा या वो बहुत लंबे समय से संगठन में कार्य कर रहा है और उसको कोई इस तरीके से पोजीशन नहीं मिली है जिस पोजीशन का वो हकदार होना चाहिए इसकी वजह से भी वो कई बार इनडिसप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हम अपने अगर कर्मचारियों को चाहते हैं कि वो अनुशासन पालन करें तो हमें उनके जॉब्स को भी एनरिच करना चाहिए उनकी जॉब को अपलिफ्ट करना चाहिए प्रमोशंस देने चाहिए ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाएँ इसके साथ ही प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए कई बार जैसा हमने कहा कि कर्मचारियों को जानकारी ही नहीं होती उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो इसके लिए अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखेंगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है बेसिकली जब आपके संगठन में कोई भी नया कर्मचारी आता है आप जिसको रिक्रूट करते हैं सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो कर्मचारी आपके संगठन के लिए नया है और उसको आपके संगठन के कायदे कानून के बारे में नहीं मालूम है आप किस प्रकार के नियम को यहाँ पर फॉलो करते हैं कैसी आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन सभी के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया को हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं जहाँ अपने एम्प्लॉयी को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वेल well वर्स कराते हैं उनको बताते हैं कि आपके संगठन में क्या कार्य होता है किस प्रकार से होता है और क्या आपकी उपेक्षाएं होती हैं अपने एम्प्लॉय से तो अगर उनको आप जानकारी दे पाएंगे समय पर तो बहुत हद तक संभव है कि वो उन सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन डिसिप्लिनरी फॉर्म में वो अपना काम करेंगे इनडिसिप्लाइन क्रिएट नहीं करेंगे तो ये कुछ अप्रोचेज़ हैं अगर आपके संगठन में इनडिसिप्लाइन हो रहा है आपके जो कर्मचारी हैं अनुशासनहीनता से कार्य कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप इन सारे प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके आगे हम बात करते हैं दुराचार की मिसकंडक्ट क्या होता है क्योंकि ये बहुत सारे सिमिलर टर्म्स हैं जिसको कि हम यूजुअली uh, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर लेते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप इनमें अंतर जान पाएं कि इन डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ क्या हैं मिसकंडक्ट किसे कहते हैं या डिसिप्लिन क्या होता है तो चलिए शुरुआत करते हैं दुराचार की मिसकंडक्ट की किसी कार्य या प्रकार के व्यवहार को कदाचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यदि ये नियुक्तकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों के हित के लिए प्रतिकूल है कर्तव्यों के उन निर्वाहन के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ असंगत है इस हद तक अस्रुक्त और विश्वासघाती है कि नियुक्तकर्ता और कर्मचारी को जारी रखना असंगत हो जाता है रिश्ता तो ये आपके एक्टिविटीज़ में होता है ये टाइप ऑफ बिहेवियर है जो कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है एज़ एन मिसकंडक्ट जिसमें कि आप अपने जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने नॉर्म्स को इनकन्सटेंट या अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ या अनसेफ या अनफेथफुल तरीके से जब अपने कार्य को आप करते हैं तो आप उसको मिसकंडक्ट की तरह से कंसिडर करते हैं उसको हम दुराचार का नाम देते हैं जब आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिसमें आप काम नियुक्त करता अगर आपको कुछ कार्य करने के लिए दे रहा है और आप उसको करने से मना कर देते हैं तो वो एक तरीके से मिसकंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कहा जाएगा कैटेगरीज क्या हैं दुराचार की क्या श्रेणियां हैं इसको हमने तीन भाग में यहाँ बांटा है एक है माइनर जो आप माइनर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे नहीं होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे जो गलतियाँ होती हैं या मिसकंडक्ट होते हैं उनको हम माइनर कहते हैं मेजर जो थोड़े बड़े रूप में की जाती हैं और इनटॉलरेबल ऑफेंसेस वो हो गए जिनको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता छोटी बड़ी और ऐसी गलती जिसको कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उसके तीन श्रेणियों में हमने इसको बांटा है तो हमारे माइनर कॉन्ट्रावेंशनस हैं रिजल्ट इन फ्यू सीरियस क्वानसिक्वांसेस जैसे काम को ध्यान नहीं देना नेग्लिजेंस हो गया माइनर डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स केयरलेसनेस बिना चिंता के आप कार्य को कर रहे हैं कान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपना या किसी की बात को आप मान नहीं रहे हैं सुन नहीं रहे हैं उसको डिसोबे नहीं डिसोबे कर रहे हैं ओबे नहीं कर रहे हैं तो ये सारी जो गलतियां हैं या एक इस तरीके का जो व्यवहार है वो आपका माइनर कंट्रोवेंशनस में आता है जबकि जो मेजर कंट्रोवेंशन हैं वो पार्टिकली हिंडर करते हैं वर्किंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से आप झूठ बोलते हैं आप कार्य करने में झूठ बोल रहे हैं या लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं या उनकी चीज़ों को चुरा रहे हैं इस तरीके के व्यवहार को हम माइनर एक्टिविटीज़ में या माइनर कॉन्ट्रावेंशनस में हम कंसिडर करते हैं जो संगठन के कार्य करने में कहीं ना कहीं दिक्कत अलग लाती हैं और इनटॉलरेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं और सीवियर नेचर का एक कहीं ना कहीं एंडेंजर्स uh, क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप पे जैसे कि तो जैसा कि मैंने कहा इनटॉलरेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनको कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते कुछ इस प्रकार से जो कर्मचारियों का व्यवहार है जैसे किसी को कार्य पे वेपन दिखाना उसको थ्रेट देना उसको धमकी देना या फिर आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने जॉब पर या फिर आप ऐसी जगह पर सिगरेट पी रहे हैं जहाँ पर अलाउड नहीं है जो स्मोकिंग एरिया नहीं है जहाँ पर इंफ्लेमेबल्स का इस्तेमाल होता है तो ऐसे कार्य करने पर आपका जो बिहेवियर है वो इनटॉलरेबल होता है और उसी प्रकार से आपको पनिशमेंट्स दिए जाते हैं तो देखा जाता है कि आपका जो मिसकंडक्ट है जो बिहेवियर है वो किस लेवल का है माइनर लेवल का है मेजर लेवल का है या इनटॉलरेबल लेवल का है उसी के हिसाब से आपको पेनल्टीज इम्पोज़ की जाती हैं और पेनेटिव एक्शंस लिए जाते हैं आपके खिलाफ इसके आगे आता है मिसकंडक्ट स्टेटेड इन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 अब हम बात करेंगे ऐसे मिसकंडक्ट्स की जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में पास किए गए थे कि क्या क्या और किस प्रकार के व्यवहार को हम मिसकंडक्ट में कंसिडर करते हैं तो किसी भी वैध और उचित आदेश नियम या विनियम की जान मूझ कर अवज्ञा और व्यज्ञा करना आप जान मूझ के वॉल्ट्रली अगर आप किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस ओबे करते हैं किसी भी कानून को अगर आप तोड़ते हैं जान मूझ कर तो वो आपका एक दुराचार व्यवहार माना जाएगा रिफ्यूजल टू वर्क ऑन जॉब और ऑन अ मशीन विच हैज़ बीन असाइंड टू टू दी पर्सन और टू दी एम्प्लॉई अगर आप अपने कार्य को करने से मना करते हैं जो काम या मशीन जो आपको सौंपी गई है उस कार्य को करने के लिए उसको इस्तेमाल करने से उस पर कार्य करने से आप मना करते हैं तो ये भी आपका एक मिसकंडक्ट बिहेवियर है इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र स्वीकार करने या उसका उत्तर देने से इनकार करना अगर आपको कहा गया है किसी भी चीज के बारे में आपको रिप्लाई देना है और आपको कोई नोटिस दिया गया है विद इन द पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका आ, उसका जवाब देना है उसको आपको उत्तर देना है और आप नहीं करते हैं तो वो आपका एक मिसकंडक्ट बिहेवियर है कंपनी की संबंध संपत्ति के संबंध में चोरी धोखाधड़ी या बेईमानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप थेफ्ट करते हैं फ्रॉड करते हैं या कोई डिसऑनेस्टी जैसा कार्य करते हैं तो ये भी आपका मिसकंडक्ट में कंसिडर होगा इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र या कंपनी परिसर के अंदर किसी अन्य कर्मचारी की संपत्ति की चोरी अगर आप किसी कर्मचारी के भी चीज़ों को चुराते हैं केवल संगठन की ही नहीं अपने आपस में कार्य कर रहे कर्मचारी जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनकी भी अगर किसी भी प्रकार से आप चीज़ों को चुरा रहे हैं या उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके मिसकंडक्ट बिहेवियर में ही कंसिडर होगा नियुक्तता के सामान या संपत्ति को जान मूझ कर नुकसान पहुँचाना जान मूझ के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को खराब करें नुकसान पहुँचाएँ तो वो आपका बिहेवियर मिसकंडक्ट में होगा दुराचार बिहेवियर है आपका प्रक्रिया में किसी उत्पाद या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कुछ ऐसा कार्य करना जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के प्रोसेस में या किसी प्रॉपर्टी में अगर आप कोई डैमेज क्रिएट करते हैं अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी आपका दुराचार है सुरक्षा उपकरणों के साथ हस्तक्षेप करना जो सेफ्टी डिवाइसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगाई गई हैं जिसकी वजह से आपको सुरक्षा दी जा रही है और उनके साथ आप जानबूझ के इंटरफेरेंस करते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं या छेड़खानी करते हैं तो आपका वो मिसकंडक्ट बिहेवियर है सुरक्षा संविधानियों और नियमों का पालन ना करना अगर आप सेफ्टी और प्रिकॉशंस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं आपसे कहा गया है कि आपको संगठन में क्या नियम कायदे कानून और सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने हैं अगर आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो वो भी मिसकंडक्ट में आएगा रिश्वत या कोई अवैध परिश्रोषण लेना या देना टेकिंग ब्राइव एंड गिविंग ब्राइव अगर आप किसी भी प्रकार से रिश्वत ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वो आपका एक दुराचार व्यवहार होगा एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम दिस सबॉर्डिनेट अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से अपने अधिंसनों के उपहार को आप स्वीकार करते हैं तो वो गलत है आदतर देर से आना आदर मतलब आदत के अनुसार आपने एक हैबिट बना ली है कि आप ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में देरी से ही आते हैं तो ये जो बिहेवियर है वो आपका मिसकंडक्ट कहलाएगा कभी कि किसी बार किसी कारणवश आप देरी से आ सकते हैं लेकिन अगर आपको आमूना तौर पे देखा जाता है कि आप संगठन में लेट ही आते हैं अपने कार्य को देरी से ही आके करते हैं तो वो गलत है एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव बिना बताए छुट्टी लेना आप अपने कार्य से कार्य पे नहीं आ रहे हैं और आपने छुट्टी नहीं ली है उसके लिए बताया नहीं है इन्फॉर्म नहीं किया है तो आपका इस प्रकार का जो व्यवहार है वो भी आ, सही नहीं है पूर्व प्रदित अनुमित के बिना छुट्टी होने पर अधिक समय तक रुकना पहले से ही कोई परमिशन ना ली हो और उसके बावजूद आप एक लंबी छुट्टी ले लें ओवर स्टे वैन ऑन लीव विदाउट प्रायर ऑथराइज परमिशन इज अ रॉन्ग बिहेवियर एंट्रिंग और लीव और अटेम्प्टिंग टू एंटर और लीव दी वर्क प्रमाइस एक्सेप्ट थ्रू द ऑथराइज एक्स एंट्रेंस और एग्जिट अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कार्य को छोड़कर जाते हैं या बीच बीच में आते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑथराइज एंट्रीज और एक्सिट के अलावा अगर आप ऐसा करते हैं तो भी वो मिसकंडक्ट बिहेवियर में कंसिडर होता है तो ये सारे हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे जिसके तहत आपका अगर व्यवहार इस प्रकार से है और इस प्रकार से आप कर्मचारी कार्य करते हैं अपने संगठन में तो उसको हम मिसकंडक्ट बिहेवियर में कंसिडर करते हैं अब बात करते हैं कॉजिस की अप्रोचेज़ की टूवर्ड्स दी डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत अलग अलग तरीके के अप्रोचेज़ के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत करते हैं कॉज रिलेटेड टू वर्कर्स कार्यकर्ता से संबंधित कारण क्या हैं आपके कार्यकर्ता से संबंधित कारण में इलिट्रेसी एंड लो इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ वर्कर्स आपके जो जो कर्मचारी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा श्रमिकों की निशकता और निर्म बौद्धिक स्तर उनकी जो इंटलेक्चुअल लेवल है या उनका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत पुअर है वो बहुत कम है तो कई बारी आपके जो कर्मचारी हैं वो इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में देखे जाते हैं वर्कर पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक फ़ियर, होप एंड एस्पिरेशन। वर्कर्स की जो पर्सनल अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जैसे उन्हें भय आशा और आकांक्षाएं बहुत हैं उनकी तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं इंडिसिप्लिनरी एक्शन आक्ष, आक्ष, हो सकते हैं श्रमिकों के नियमों का उल्लंघन करने की जन्मजात प्रवृत्ति वो है ही इसी प्रकार के कुछ लोगों का जो टेम्परामेंट होता है या उसका उनका जो नेचर होता है ना वो क्या होता है कि वो रूल्स को तोड़ना ही अपना आ, सही व्यवहार समझते हैं कुछ लोग मानते हैं कि जो कानून बने हैं वो तोड़ने के लिए ही बने हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं जहां उन्हें मज़ा आता है इस प्रकार से कार्य करने में कि जब वो रूल्स का रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं तो अगर ये 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 चीज़ें हैं कर्मचारियों के पार्ट पे अगर आपके एम्प्लॉयज़ इस टाइप के हैं तो डेफ़िनेटली वो इनडिसप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जैसा कि सबसे पहले हमने कहा कि आपके जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लिटरेट लिट्रे, नहीं हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर नहीं है वो चीज़ों को समझना नहीं जानते या समझ के उस पर कार्य करना नहीं जानते हैं तो उस तरीके से हो सकता है अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है या वो इसी प्रकार के लोग हैं जो कार्य को सही तरीके से आ, करना ही नहीं चाहते हैं और उन्हें रूल्स तोड़ने में ही मज़ा आता है कुछ कारण हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेटेड जैसे कि मिस अंडरस्टैंडिंग एंड राइवरली अमंग वर्कर्स कई बार क्या होता है कार्य करने में जो कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक दूसरे से उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है राइवरली राइवरली हो जाती है मीन्स वो कहीं ना कहीं गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके के इनडिसिप्लिनरी एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट कलर सेक्स प्लेस इन इम्पोजिंग पेनल्टीज आपके अगर दंड लगाने में जाती रंग लिंग स्थान या आधार पर भेदभाव किया जाता है आपके संगठन में इन चीजों में अगर भेदभाव किया जाता है पेनल्टी इम्पोज करने में तो आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्ट में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं क्योंकि आपको ये जो दुराचार है या इस तरीके का जो व्यवहार है वो पसंद नहीं आता है इसके बाद कुछ वर्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कारण हो सकते हैं जिसको हम कार्य वातावरण से संबंधित कारण के रूप में जान सकते हैं काम करने की खराब स्थितियाँ आपको जिस इन्वायरमेंट में काम कराया जा रहा है या जो वर्किंग कंडीशंस आपको दी जा रही हैं वर्किंग प्लेस आपकी जो है वो सुरक्षित नहीं है बैड है ख़राब है आपको वहाँ कार्य करना अच्छा नहीं लगना तो आप वहाँ के नियम और कायदे कानून के हिसाब से कार्य नहीं कर पाते हैं डिफेक्टिव uh, सुपरविजन है आपके ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं वो सही नहीं है आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं मिसडायरेक्ट कर रहे हैं तो भी आप इंडिसिप्लिनरी एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं नॉन प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सनल ऑन दी राइट जॉब अगर सही इंसान को सही जगह पर हमने नहीं प्लेस किया है क्योंकि हमने शुरुआत में ही ये पढ़ा था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सही व्यक्ति का चयन करें सही व्यक्ति के चयन करने के साथ साथ उसे हमें संगठन में सही जगह पर भी प्लेस करना ज़रूरी होता है तो अगर किसी एम्प्लॉय का प्लेसमेंट अगर गलत है तो भी हो सकता है कि बहुत हद तक इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व देखा जाए इसके बाद कुछ कारण हो सकते हैं प्रबंधन से संबंधित जैसे कि शीर प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों की स्पष्टता का अभाव अगर आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने प्रॉपर क्लैरिटी के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं बताया गया है अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया है तो डेफिनेटली इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ होंगी फॉल्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम आपका जो अप्रेजल सिस्टम है जिसके द्वारा आप कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन करते हैं अगर वो फॉल्टी है अगर वो गलत है अगर वो सही नहीं है तो वो क्या करेगा कहीं ना कहीं ग्रीव्यांश खड़ा करेगा लोगों के मन में फेवरेटिज़म अगर आप करते हैं लोगों के साथ अगर आप पर्सनल बायसनेस होकर अगर आप उनको अप्रेस करते हैं मूल्यांकन करते हैं तो ये औ, और और कर्मचारियों को इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देगा एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट सिम्पथाटिक एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आप इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं अगर आप ह्यूमेनिटेरियंस ग्राउंड पे उनके साथ बात नहीं करते हैं या उनके साथ कार्य नहीं करते हैं तो ये भी कई हद तक कारण बन सकता है कि आपके जो कर्मचारी हैं वो इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों या इस तरीके का कार्य करें या इस तरीके का बिहेवियर शो करें जो एक मिसकंडक्ट कहलाए आपके संगठन में क्योंकि हमें ह्यूमैनिटेरियन पे हम बात कर रहे हैं इंसान की व्यक्तित्व की बात करते हैं तो जब मानस की बात कर रहे हैं तो हमें मानवता तो रखनी ही पड़ेगी अगर हम उनके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड शो के बात करेंगे और सिंपथेटिक बिहेवियर नहीं रखेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत होगी अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की औद्योगिक अनुशासन के सिद्धांत क्या हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं तो वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन शुड बी कैरीड आउट क्लियरली औद्योगिक अनुशासन के मूल उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में डिसिप्लिन लागू करते हैं तो वो किस कारणवश आप लागू कर रहे हैं इसको करने से क्या होगा क्या बेनिफिट्स uh, होंगे एम्प्लॉय को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर आप उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली क्लियर क्लियरली क्लियर आउट कर देते हैं बता देते हैं अपने कर्मचारियों को तो बहुत हद तक संभव है कि वो उसके हिसाब से अनुसार से कार्य करेंगे आचार संहिता कार्यकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों को परामर्श और सहयोग से बनाई जानी चाहिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जो आप बना रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना रहे हैं वो बहुत ध्यान से बनाई जानी चाहिए उनको जब आप फॉर्म कर रहे हो कंसल्टेशन और कोलैबोरेटिव फॉर्म में आप बनाएं कुछ इस तरीके के नियम या कायदे कानून ना बना दें कि लोगों को उनके हिसाब से कार्य करने में मुश्किल या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो आप चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉज से कि वो फॉलो करें उनको आप कोलेबरेटिव और कंसल्टेटिव फॉर्म में बनाइए लोगों से जानकारी के साथ उनकी सहमति के साथ बनाइए तो बहुत हद तक संभव है कि उस पर वो लोग बेहतर तरीके से कार्य करेंगे आचार संहिता के बारे में संगठन के सभी संबंधित लोगों को सूचित किया जाना चाहिए और जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो आप चाहते हैं जिस प्रकार से वो कार्य करें उनको सब तरीके से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए उनको पता होना चाहिए एक्चुअली करना क्या है और कैसे करना है अगर उनको जानकारी नहीं रहेगी तो उनको कार्य करने में जब जानकारी ही नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से अपने ढंग से अपने तरीके से उस कार्य को करेंगे तो इसमें उसका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अनुशासन के संबंधित नियम और वियनम विनियम सभी को समझ में आने चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबके समझ में आ जाने चाहिए इसकी भी एनश्योरिटी आपको करनी चाहिए एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आप ये मेक श्योर sure कर लें कि सबको वो बात समझ में आ गई है कि नहीं आपने कम्युनिकेट तो किया अब अपनी तरफ से बता तो दिया अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा तो भी वो फॉलो नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि आपके डिसिप्लिनरी एक्शन जो हैं या कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए आचरण के नियम को रोजगार की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों का निपटारा करने में सक्षम होना चाहिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस इस प्रकार से जो भी एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कर्मचारियों के जो भी प्रॉब्लम्स आ, आ रही हैं जो भी ग्रीवियांज आ रही हैं उनको सेटल करने में उनको सॉल्व करने में उनको ओवरकम करने में आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप उनको सही समय पर सुलझा सकें अनुशासन नीति का दृष्टिकोण निवारक होना चाहिए अर्थात दंड के प्रशासन की बजाय अनुशासन के उल्लंघन की रोकथाम पर जोर दिया जाना चाहिए आपकी जो अप्रोच है आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए आप प्यूनिटिव एक्शंस लेने की बजाय आप उनको बाकी समझाइए कि अगर ये कार्य को करेंगे तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उनको और सपोर्ट करेगा और अपने कार्य को बेहतर तरीके से अचीव करने की कोशिश करेगा तो किस प्रकार से आप उनके साथ डील कर रहे हैं जैसे हमने पहले भी बात करी थी दो तरीके की अप्रोच हो सकती है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और आज के समय पे पॉजिटिव अप्रोच का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जिसमें हम अपने इम्प्लॉयज़ को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं रादर देन प्यूनिटिव एक्शन की क्या इसके पनिशमेंट्स और प्यूनिटिव एक्शन होंगे इसके खिलाफ़ इसके साथ ही हम कह रहे हैं कदाचार के प्रत्येक मामले के लिए फटकार की मात्रा को कर्मचारी की हैंडबुक में प्रकाशित करने के पहले से स्पष्ट रूप से निर्दारित कर दिया जाना चाहिए बेसिकली द क्वांटम ऑफ पिरामिड फॉर ईच ऑफ द केस ऑफ मिसकंडक्ट शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली इन एडवांस बाय पब्लिशिंग दैम इन दी एम्प्लॉयज़ हैंडबुक एम्प्लॉय हैंडबुक होती है जिसको कि हम कर्मचारी की किताब कहते हैं जिसमें हैंडबुक में इम्प्लॉज से रिलेटेड सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ड्यूटीज़ उनकी सारी ही जानकारियों के बारे में उसमें लिखा होता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें ये टाइम पर समय पर ये हैंडबुक दें ताकि वो अपनी सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएँ एंड परिवर्तन प्राधिकारी को निश्चित किया जाना चाहिए जैसे कि इन्फोर्समेंट अथॉरिटी मजब भी स्पेसिफाइड जो इस लॉ को जो इस डिसिप्लिन को कंडक्ट uh, कर रहा है या जो इन्फोर्स कर रहा है जो लागू कर रहा है वो अथॉरिटी कौन है कौन ने ये सारे किसने ये नियम कायदे कानून बनाए हैं वो एनफोर्समेंट अथॉरिटी का भी स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है इसके आगे हम बात कर रहे हैं अनुशासन नीति में कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए या किसी एक श्रमिक या कर्मचारी का पक्ष लिए बिना सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से देखे तभी लोग उसका फॉलो करते हैं और ये हमने देखा भी था फैक्टर्स ऑफ मिसकंडक्ट में या इनडिसिप्लिनरी एक्शन में कि अगर लोगों के साथ इनडिसक्र डिस्क्रिमिनेशन होता है या इनिकवालिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाता है तो वो बहुत हद तक संभव है इन डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं अनुशासनहीनता के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुझाव देने के लिए सलाहकार क्षमता में एक अनुशासनात्मक सीमित का गठन किया जाना चाहिए कोई तो ऐसी कमेटी आप फॉर्म करें ठीक है जो आपके मैटर्स पे इंडिसिप्लिनरी एक्शन जो इंडिसिप्लिनरी एक्ट हैं उन मैटर्स पे प्रॉपरली यू नो स्टडी करें इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद ही उस पर डिसीजन मेकिंग करें कि, कि किस प्रकार से हमें इसका एक्शन uh, लेना है या किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है आगे बात करते हैं गाइडलाइंस ऑफ अ डिसिप्लिनरी एक्शन की जो डिसिप्लिनरी एक्शन हैं उसकी कार्रवाई किस प्रकार से की जाती है सबसे पहले आपको क्या करना है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम उत्तरदायित्व का कर निर्धारण करना कह रहे हैं दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी सस्टेनिंग डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन से अ प्रोफेशनल ऑफिसर कौन ऐसा बंदा होगा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स कर रहा है वो वो अथॉरिटी कौन होगी उसका असाइनमेंट होना बड़ा जरूरी है दूसरा प्रॉपर फ्रेमिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ रूल आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो अनुशासन आप पालन करना चाहते हैं उसके क्या कायदे कानून हैं उसको प्रॉपर फ्रेमिंग करिए उसको प्रॉपरली बनाइए और साथ ही साथ उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए नियम और विनियम उचित होने चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रीज़नेबल होने चाहिए अन रिजनेबल रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो डेफ़िनेटली लोग उनको नहीं मानेंगे और उन पर कार्य नहीं करेंगे फ्लैक्सीबल होने चाहिए तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपके नियम हैं वो थोड़े से रीजनेबल होने चाहिए फ्लैक्सीबल होने चाहिए अगर आप बहुत अनरी या रिजिड रूल्स को रख देते हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके कर्मचारी उनको फॉलो ना करें और फिर आपको इनडिसिप्लिन देखने को मिले बराबर उपचार होना चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट रखना चाहिए उनके साथ इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी शीघ्र कार्रवाई करिए अगर ये ये बहुत हद तक ध्यान देना चाहिए अगर किसी भी रूल का वायलेशन हो रहा है या कोई इंडिसिप्लिनरी एक्टिविटी आपके संगठन में देखी गई है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए आप उसके लिए रिस्पॉन्ड अगर करते हैं तो डेफिनेटली इससे बाकी के कर्मचारियों को एक लर्निंग मिलती है उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कुछ गलत होगा तो उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा सर्च फॉर दी फैक्ट बहुत ज़रूरी है कि आप तह तक जाएं तत्वों की खोज करें कि ऐसा क्यों हुआ क्या कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ व्हाट एंड वाई इट हैपन तो उन सारी चीज़ों को उन चीज़ों को रीजन्स को आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कर्मचारी का व्यवहार इस प्रकार से क्यों था और नेचुरल जस्टिस कीजिए उनके साथ प्राकृतिक न्याय कीजिए उनको पेनल्टी या जो भी आप पनिशमेंट इम्पोज करना चाहिए वो थोड़ा सा नेचुरल होना चाहिए कुछ भी तरीके से आप ना उनके ऊपर इम्पोज़ करें कि वो लोगों को परेशान करें या उनके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो इसके बाद हम मैक जॉर्ज के हॉट स्टॉप रूल्स की बात करते हैं ये भी कहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि अपने संगठन में डिसिप्लिन मेंटेन हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए सबसे पहले ये कहते हैं पूर्व चेतावनी हॉट स्टॉप रूल का मतलब ये है कि आपके जो स्टोव है वो बहुत गर्म होना चाहिए गर्म होता है तो उसके क्या नियम होते हैं जब पतीला गर्म होगा तो वो पहले से ही वार्निंग दे रहा है कि मैं बहुत गर्म हूँ मुझे आप छुएंगे तो जल जाएंगे तो उसी तरीके से पूर्व चेतावनी दे चेतावनी दे देने चाहिए वर्कर्स को बता देना चाहिए उनको पहले से ही कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो करने के परिणाम क्या होंगे इमीडिएट इफेक्ट जैसे ही आप उसको छूते हैं तो आपका हाथ जलता है पतीले को गर्म को तो मैक जॉर्ज ये कहते हैं कि जैसे ही वो गलती आई है उसके तुरंत आप एक्शन लें आप उसमें डिले ना करें वेट ना करें कि चार दिन बाद देखेंगे कि देखेंगे आगे क्या करना है तुरंत आप उस पर पेनल्टी इंपोज़ करें या उसका इम्पैक्ट देखें तो लोगों को समझ में आएगा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्थिरता होनी चाहिए जितनी बार आप उसको टच करेंगे उतनी बार आपकी उंगली जलेगी तो जितने बार वो गलती हो उतनी बार उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और इमपर्सनल अप्रोच हो सबके साथ एक जैसा अप्रोच इनडिफ्रेंस या डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही नहीं चाहिए कोई भी उस पतीलों को छूए चाहे कोई छोटा कोई बड़ा कोई कमज़ोर या कोई बहुत स्ट्रांग उसको बराबर से ही जलन होगा या बराबर से ही वो जलेगा इसी प्रकार से हॉफ स्टोव रूल ये कहता है मैक का कि आप जो भी पेनल्टी इम्पोज करें वो इम्पर्सनल फॉर्म में अप्रोच करें आप उसको बाइज्ड होकर या फेवरिटिज्म के फॉर्म में ना करें इसके साथ अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीजर का तो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर सबसे पहले कहता है कि असर्टन करें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है किस किस चीज़ पर आप प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं उसके बाद आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करें अंडरलाइंग फैक्ट्स क्या हैं मिलके ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ फिर उसके बाद डिसाइड करें कि इसको किस तरीके से आप पेनल्टी को इम्पोज़ करेंगे क्या आप उनको पनिशमेंट देंगे एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी किस प्रकार से होगी किस तरीके से उसके ऑफेंस को कंसिडर किया जाएगा वो माइनर है मेजर है या इनटॉलरेबल ऑफेंस है किस किस तरह की पेनल्टी उन पर पे इम्पोज करनी है और फिर उस डिसिप्लिनरी एक्शन को आप फॉलो अप करें आप चेक करें कि जो पेनल्टी आपने इम्पोज़ है या जो पेनिटिव एक्शन आपने दिया है वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जुल जुलाई 1957 में नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया गया था और वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो इंड्यूस करे वॉल्ट्री एग्रीमेंट्स को बिटवीन द लेबर यूनियंस एंड द मैनेजमेंट टू अबाइड बाई दी सर्टेन सेल्फ इम्पोज रूल्स ऑफ बिहेवियर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट डिस्प्यूट डू नॉट अराइज एंड दैट इफ दे डू टू प्रमोट एन ऑर्डरली स्टेटमेंट थ्रू नेगोसिएशन कंसिलियेशन एंड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के थ्रू उनको सॉल्व किया जा सके दूसरी तरफ ये कहते हैं दी कोर्ट इंजॉयज अपॉन दार्टीज टू अकॉर्ड ड्यू रिकोगशन टू ईच अदर जस्ट राइट एज वेल एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इंजॉइ अपॉन दार्टीज टू रिफ्रेम फ्राम टेकिंग एनी यूनिलेट्रल एक्शन इन कनेक्शन विद एनी इंडस्ट्रियल मैटर टू यूटिलाइज दी एग्जिस्टिंग मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विद दी अटमोस्ट एक्सपीडिशन एंड टू एबजस्ट राइट एंड लॉक आउट विदाउट नोटिस एंड विदाउट फर्स्ट एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल पैसिबल एवेन्यूज ऑफ सेटलमेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर संगठन में किसी भी प्रकार का विवाद है और इस तरीके के इंडिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं तो वर्कर्स को उनको कोई भी अपने अपने यूनिट लेटरल एक्शन्स को नहीं शो करना चाहिए मतलब अपने हिसाब से वो कोई रिजल्ट ना निकालें उसके लिए सेटलमेंट होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए ताकि वो कलेक्टिव बारगेनिंग के थ्रू इनके कोई सोल्यूशंस निकाल सकें इट डिसेजेस लिगिटेशन एंड लेसिस ऑन द म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू नेगोसिएशन थ्रू काउंसलिंग थ्रू वॉलेंट्री आर्बिटेशन रादर देन जस्ट एजुटिकेशन एंड लास्टली हम बात कर रहे हैं इट इन्जॉइंस द नीदर पार्टी शुड रेस्टोर टू डेमांसट्रेशन इंटीमिडेशन विक्टमाइजेशन वायलेंस कोहर्शन डिस्क्रिमिनेशन और इंटरफेरेंस इन द यूनियन एक्टिविटी और विद द नॉर्मल वर्क ऑफ एम्प्लॉय और इंडर्ज इन सबॉर्डिनेशन और विलफुल डैमेज ट्रू दी प्रॉपर्टी कोई भी कर्मचारी इस तरीके के मिसकंडक्ट्स में या इस तरीके के इस तरीके के व्यवहार में अपने आप को शामिल ना करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों को वो फॉलो करें एंड दी कोर्ट रिक्वायर्स द इम्प्लॉयज़ टू रिकोगगनाइज़ दी मेजॉरिटी यूनियन इन देयर इस्टेबलिशमेंट और इंडस्ट्रीज एंड सेटअप एंड वेल डिफाइंड एंड म्यूचुअली एग्रीड ग्रीवियां रिड्रेसल प्रोसीजर एंड इट रिक्वायर्स वर्कर्स नॉट टू अडोप्ट गो स्लो टैक्टिक्स और इंडल्ज इन स्टे इन और सिट डाउन स्ट्राइक्स वाइल दे आर ऑन ड्यूटी तो ये भी निर्धारित करता है कि हमारे जो संगठन के कर्मचारी हैं और एम्प्लॉयर हैं दोनों ही इस बात को समझें कि उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है और किस प्रकार से उनको कार्य करना है क्योंकि वो अकेले इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते दोनों की सहमति और दोनों की रजामंदी चीज़ों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ ही हम आखिर में कहते हैं कि इट एफसाइजेस दैट अवार्ड्स डिसीजन एग्रीमेंट एंड सेटलमेंट शुड बी प्रॉपली एंड रेडिली इम्प्लीमेंटेड And that any act which disturbs or impairs the cordial relationship between the employees and the management or which is contrary to the spirit of the code is carefully avoided. As a kisi bhi act may involve nahi hona, jo aapke or aapke sangathan ke karta jo hain unke beach may kahin, kahin relationship may impact create karraho. And it directs employees and the trade union to take prop appropriate actions against their officers and members. हुई इन डीटिविट एक्टिविटीज विच आर कॉन्ट्ररी टू दी स्परिट एंड लेटर ऑफ कंडक्ट अगर कोई भी नियुक्त करता है इस प्रकार से किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो इम्प्लॉज या कर्मचारी किस प्रकार से उसका सोल्यूशंस uh, मांगने की कोशिश करेंगे उसमें वो निर्धारित किया जाता है हमारे इस व्याख्यान के स्रोत इस प्रकार से हैं जो भी हमने कंटेंट लिया है उसको हमने इन किताबों से इन राइटर्स की बुक्स से हमने कवर किया है जो कि आपके सामने हैं आपके समक्ष हैं कुछ इस स्लाइड पर हैं कुछ आगे वाली स्लाइड्स पर हैं जिनको कि आप देख सकते हैं जिनके द्वारा हमने इन कंटेक्ट को लिया गया है इसके साथ ही हम आज के व्याख्यान को ख़त्म करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू